हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत। और गाइस, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कि पेटीएम वॉलेट के पैसे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर गाइस आप भी पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करते हो और आपके पेटीएम के वॉलेट में कुछ पैसे वगैरह हैं एंड उन पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इधर पर मैं अपने पेटीएम के वॉलेट में कुछ पैसे को ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको फुल डिटेल के साथ समझा सकूँ कि आपको किस तरह से अपने जो पैसे को है वो निकालना है, डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वॉलेट के पैसे को। तो इधर पर जो मैं पेटीएम वॉलेट में सबसे पहले पैसे को ऐड करूँगा, तो सिंपल जो मैं 50 रुपये को ऐड कर लेता हूँ, 50 रुपये मैं टाइप कर देता हूँ, ऐड मनी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को जो हूँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड पे वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ एंड UPI पिन को भी दे देता हूँ एंड उसके बाद जो पैसे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे अपने पेटीएम के वॉलेट में। अब जो 50 रुपये ऐड हो जाते हैं, इन पैसे को डायरेक्टली मैं अपने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करके बताऊंगा। तो अब देखो मैं इधर से बैक चला जाता हूँ। तो गाइस देखो, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या, अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं और आप उनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको पेटीएम बैंक वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपका UPI पिन मांगेगा, आपको जो है अपना UPI पिन देना है एंड UPI पिन देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जो नीचे की तरफ जाना है एंड उसके बाद आपके जो वॉलेट में देख सकते हो इधर पर पेटीएम वॉलेट बैलेंस 50 रुपये है। अब मैं इसको बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपल से इधर पर क्लिक करना है पेटीएम वॉलेट पर एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो इधर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मनी टू बैंक, तो आपको सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर पर आपको अमाउंट लिखना है, आपको इधर पर टच करना है एंड आपको जितना भी निकालना है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उतना आप टाइप करो, सिंपल जो है 50 रुपये को निकालना है। ठीक, 50 रुपये हम टाइप कर देंगे एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इधर पर ऐड ऐड न्यू। ठीक है, तो इधर से आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, फर्स्ट बार में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप इधर से अपना अकाउंट नंबर डालना, IFSC कोड डालना एंड जो अकाउंट होल्डर नाम डालें जिसका भी अकाउंट है एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पर मैंने पहले से ऐड कर रखा था तो इधर पर डायरेक्टली वो लिंक हो चुका है, तो मैं इधर पर क्लिक कर देता हूँ एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस एक बार मैं आपको बता दूँ, देखो इधर पर बिल्कुल 1 रुपये भी चार्ज नहीं लग रहा है, तो अब भी चार्ज नहीं लग रहा है लेकिन पहले चार्ज लगता था। अब ये पेटीएम की न्यू अपडेट हो सकती है लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कुछ चार्ज भी लगता है। तो जब भी आप अपने पेटीएम के वॉलेट के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ तो आप इधर पर पढ़ लेना कितना चार्ज लग रहा है, तो अभी तो बिल्कुल 0 लग रहा है, 1 भी रुपये नहीं लग रहा है। तो इधर पर आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह की लोडिंग्स वगैरह होने लगेगी। ठीक है, कुछ इस तरह का होने लगेगा तो आपको जो वेट वगैरह कर लेना है एंड गाइस उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर पर देखने के लिए मिल जाता है प्रोसेस सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाता है और जो आपका पैसा डायरेक्टली सेंड हो जाता है। इधर पर कैशबैक वगैरह का जो मिल जाता है तो इसको अपन बैक कर सकते हैं। तो गाइस डायरेक्टली जो पैसा ऐड सॉरी पैसा डायरेक्टली सेंड हो चुका है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप फर्स्ट बार में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करोगे तो आपसे OTP वगैरह मांगा जाएगा, वो सब चीज़ आपको देना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे को सेंड कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं ढंग से बहुत चीज़